नमस्ते दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में आपको एक घर का टूर करवाऊंगा और घर में क्या क्या लगा हुआ है, क्या साइज़ का है, ये सब इस वीडियो में आपको डिटेल दूंगा। जैसे आप फ्लोरिंग में देख रहे हैं, फ्लोरिंग में ये हमारे राजस्थान का निम्बाड़ा पत्थर लगा हुआ है और मिलाता हूँ कॉन्ट्रैक्टर साहब से। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम लक्ष्मीलाल सुथार है। हाँ, मैं उदयपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो लक्ष्मीलाल जी आप ये सिविल काम ही करते हैं ना? बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये लक्ष्मीलाल जी जिन्होंने ये पूरा काम किया है, फुल फिनिश करके दिया है आपने? बिल्कुल फुल फिनिश किया है। फुल फिनिश। तो देखिए, टूर करवाने के बाद में इसमें कितना खर्चा आता है ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसमें। तो लक्ष्मीलाल जी, ये फ्लोरिंग में जो मार्बल देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? ये निजरना मार्बल है। निजरना मार्बल, और इसकी क्या रेट दी थी? ये 80 रुपये फीट का है। 80 रुपये पर स्क्वायर फीट का जी। और बहुत ही देखिए, ये निजरना मार्बल स्ट्रेट लाइन का ये मार्बल है, 80 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसका रेट है। देखिए ये हॉल, और ये डाइनिंग, और एक मैं किचन का बताता हूँ आपको। तो देखिए, ये किचन बनाया हुआ है, नया घर है बिल्कुल ही। लक्ष्मीलाल जी, ये जो किचन देख रहे हैं, इसमें किचन में पार्टीशन आपने पूरा रेडीमेड बनवाया या कैसा? ये नहीं, ये फर्नीचर हमने बनवाया है। हाँ, बाकी अंदर सारे मार्बल के पार्टीशन खड़े किए हैं। अच्छा, अंदर पर मार्बल का। तो ये फर्नीचर लगभग क्या रेट में बनाते हैं, लगभग कोई आइडिया है? ये फर्नीचर का लगभग 500 रुपये फीट में बढ़ा है, खाली पल्ले इसके। अच्छा, इसके पल्ले खाली 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के बनाते हैं। जैसे कोई आपका 10 फीट का किचन है दोस्तों, तो ये दो फीट रहेगा हाइट, ये दो रहेगा, ढाई रहेगा। ये 27 इंच है। 27 इंच है, तो लगभग इस पर फर्नीचर का अगर हम खर्चा निकालना चाहें तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये इसका कॉस्ट आएगा। सही है ना सर? बिल्कुल। और देखिए, इसके प्लेटफॉर्म पे है, ये ब्लैक ग्रेनाइट लग रहा है, और टाइल्स का भी आप एक डिजाइन देख सकते हैं, ये पूरा ये टाइल्स का डिजाइन। और अब मैं आपको सीढ़ी की डिजाइन दिखा देता हूँ। अगर आप निजरना मार्बल लगाते हैं तो ये लुक रहता है, ये बेडरूम ये साइड में, और एक इसके साथ में ये देखिए वॉश मशीन का डिजाइन, और पूरा राजस्थान कल्चर का ही है पूरा। ये इसमें सिंक का डिजाइन है, और ये टाइल्स का डिजाइन। और अब एक सीढ़ी का डिजाइन दिखाता हूँ, और उसके साथ में रेलिंग का भी मैं डिजाइन दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये सीढ़ी में सेम निजरना मार्बल लग रहा है। तो लक्ष्मीलाल जी, ये जो रेलिंग बनाते हैं, कोई आइडिया है आपको कि इसके रेलिंग का कितना खर्चा आ जाता है लगभग? ये रेलिंग लगभग 600 रुपये रनिंग फीट से चली है। 600 रुपये रनिंग फीट की। और इसका ग्लास अलग है। ग्लास टपन ग्लास है, कौन सा है? नहीं, टपन नहीं, नॉर्मल ही है। नॉर्मल है। कितना एमएम का रहेगा ग्लास? ये 8 एमएम का रहेगा। 8 एमएम का एक ग्लास है। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर से इसका एक व्यू और दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं ये फ्रंट में जो देख रहे हैं आप, ये 1.5 इंच की 45 डिग्री कटिंग करके ये पट्टी लगाई हुई है फ्रंट में, और ये चौक लैंडिंग का डिजाइन, रेलिंग डिजाइन, यह पूरा डिजाइन देख सकते हैं। तो लक्ष्मीलाल जी, ये जो मकान हमने देखा, इसका क्या साइज रहेगा फ्रंट? इसका फ्रंट 30 फीट का है। हाँ, 30 फीट फ्रंट। 40 फीट का प्लॉट है, जिसमें हाँ, से 30 फीट पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अच्छा, तो आप ये जो पूरा रेडी करके मकान देते हैं, ये इसकी लगभग क्या कॉस्ट आती है? ये लगभग 2000 रुपये स्क्वायर फीट छत नाप से आता है। 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के नाप पे, उसमें फर्नीचर सब आ गया? नहीं, फर्नीचर नहीं आता। तो क्या क्या चीज आती है 2000 में? इसमें किचन का फर्नीचर इंक्लूड है, ये अलमारी वगैरह ये इंक्लूड नहीं रहती है। अच्छा, अलमारी इंक्लूड नहीं रहती। दरवाजे, खिड़की, रेलिंग वगैरह ये सारा आता है। प्लम्बिंग का काम? प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक सारा काम आता है। सारा काम आ जाता है। और आप मेन कौन से एरिया में काम करेंगे आप? मैं उदयपुर में। उदयपुर, अपना क्राइटेरिया उदयपुर ही है। अच्छा अच्छा, तो कोई कंपनी का नाम है? कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी से है। कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए, काम की बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, देख सकते हैं आप पूरा। ये एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। अगर आपको उदयपुर में इनसे काम करवाना, तो मैं इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप लेके आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।